नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज का करंट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2017 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है एसके अरोड़ा को। नेक्स्ट है, अभ्यास मैत्री 2018 कहाँ संपन्न हुआ? तो अभ्यास मैत्री 2018 श्रीनगर में संपन्न हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, मिशेल जॉनसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मिशेल जॉनसन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति घोषणा कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे लीज ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। नेक्स्ट है दोस्तों, मॉरिशस में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है दोस्तों सुषमा स्वराज ने, जो कि विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलना का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो दोस्तों इसका आंसर है पोखरण। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर दोस्तों पोर्ट लुई से। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है विनेश फोगाट। इसके अलावा दोस्तों, एशियाई खेलों में अभी जो एशियाई खेल चल रहे हैं इंडोनेशिया में, उसमें पहला स्वर्ण पदक दिलाया था बजरंग पूनिया ने, जो कि एक पहलवान ही है। इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया और विनेश फोगाट ने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। लेकिन ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है ये विनेश फोगाट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों लालजी टंडन बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन होंगे? तो इसका आंसर दोस्तों सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये कल ही मतलब इसने जीता था, सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। ये सबसे कम उम्र के और हैं दोस्तों, 16 ही उम्र के हैं, मात्र 16 साल की उम्र है इनकी। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किन चुनावों के लिए नोटा का प्रयोग नहीं किए जाने का आदेश सुनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यसभा चुनाव। नेक्स्ट है, पेटीएम ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है दोस्तों अलीबाबा। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? ये मैंने पीछे बता दिया दोस्तों आपको, इसका आंसर है बजरंग पूनिया। धन्यवाद दोस्तों, ये आज के करंट के प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।